हेलो इन्वेस्टर्स, फिर से स्वागत है आपका स्टॉक टॉक्स के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके एक्चुअल में कुछ वैल्यू है ही नहीं, कंपनी ना के बराबर है, फिर भी कंपनी के स्टॉक काफी ऊपर चल रहे हैं। इसमें पंप एंड डंप वाला सीन चल रहा है। लोगों को इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे नकली मैसेजेस भेज के इन स्टॉक को पंप किया जा रहा है और फ्यूचर में इसमें से इन्वेस्टर का पैसा बर्बादी होने वाला है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टॉक बताऊंगा जिनसे आप कोसों दूर रहना है, कभी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बिना आपको और मेरा समय वेस्ट किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपके साइड से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा, वरना इस टॉपिक पे मेरी ये लास्ट वीडियो होगी। तो वीडियो को लाइक करके आपका रिस्पॉन्स जरूर बताना। तो स्टॉक नंबर 1, आरकॉम। दोस्तों, सबको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि 2008 से इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा रही है, लेकिन अब तक इसको शांति नहीं मिली है। हाल ही में कंपनी का स्टॉक 50 पैसे से 4 रुपए तक गया था और अभी 2 रुपए के आसपास आके लटक गया है। दोस्तों, इस कंपनी से आपको इसलिए दूर रहना क्योंकि इस कंपनी के पास अभी कुछ एसेट बचा ही नहीं है। कंपनी एनसीएलटी कोर्ट में ऑलरेडी, आपको पता होगा अगर आप इसके निवेशक हो, तो कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी कोर्ट में है। कंपनी के पास कोई एसेट बचा नहीं है, कंपनी ने कुछ रेगुलेशन लाया नहीं है, 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, कंपनी के पास अभी भी 2G का स्पेक्ट्रम लगा हुआ है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेब्ट है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा कर्जा है कंपनी में कि कंपनी को कर्जा चुकाते चुकाते इसकी आधी जिंदगी चली जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि स्टॉक से जितना दूर हो उतना अच्छा है। अगर ये 50 पैसे पे भी होगा तो भी वहां से भी 10 पैसे पे आ जाएगा, इतना घटिया स्टॉक है। स्टॉक नंबर 2, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा कि ये स्टॉक 15 पैसे से कुछ 4-5 रुपए के आसपास गया, जो कि काफी ज्यादा रिटर्न होता है। दोस्तों, इस कंपनी में आपको इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है। उसके अलावा कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए और कंपनी के जितने पुराने क्लाइंट्स थे वो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, जिसमें एडसेल, आरकॉम जैसी काफी कंपनियां थी। और दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर स्कैम और ऑपरेटर स्कैम भी चल रहा है। दोस्तों, प्रमोटर स्कैम क्या होता है कि जब कंपनी चलती नहीं है तो प्रमोटर अपने स्टेक जो होते हैं शेयर को पहले पंप करते हैं न्यूज फैला के, फिर शेयर जब पंप हो जाता है तो अपने स्टेक बेच देते हैं। आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा मैंने 9 महीने पहले विकास लाइफ केयर पे वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि विकास लाइफ केयर कैसे प्रमोटर स्कैम कर रहा है। तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और GTL के स्टॉक से जितना दूर हो उतना आपके लिए अच्छा है। स्टॉक नंबर 3, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इस कंपनी में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें बीच में ऑपरेटिंग ट्रैप हुआ था कि इसमें काफी न्यूज चलाई गई थी कि कंपनी को फंडिंग मिल रही है। उस टाइम पे कंपनी का स्टॉक कुछ 7 रुपए से 18 रुपए के आसपास गया था सिर्फ 8 दिनों के अंदर, जिसको देख के मैंने खुद में इसमें पैसा डाल दिए थे और मैंने 18 रुपए बाय किया था। आज उस 18 की वैल्यू दोस्तों 4 रुपए हो गई है और मेरा इसमें काफी पैसा डूबा। अब तो मैंने इसे बेच दिया खैर, लेकिन इस कंपनी से आपको दूर रहना क्योंकि ये कंपनी जो है ये बैंकक्रप्ट हो चुकी है। इसने NCLT में अप्लाई किया, इसका मतलब कंपनी का स्टॉक डीलिस्ट भी हो सकता है और इसमें फेक न्यूज काफी चलती है, कंपनी के ऊपर दुनिया भर का कर्जा है। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, मेरा थोड़ा गला खराब है, आप समझ सकते हो, तो अगर आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं माफी चाहूंगा। तो इस स्टॉक से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। स्टॉक नंबर 4, ओरिएंट ग्रीन पावर। दोस्तों, इस स्टॉक को इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा बूम किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ट्राई कर रही है, तो उसका मौका पे चौका देख के इस स्टॉक को ऊपर लाया जा रहा है, जबकि इस स्टॉक में कुछ है नहीं। दोस्तों, कंपनी ने अपने सारे पावर प्लांट बेच दिए हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा दुनिया भर का है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रमोटर स्कैम मैंने बोला आपको, वो इसके अंदर परफेक्टली हो रहा है, क्योंकि जब कंपनी का स्टॉक बढ़ा तब कंपनी के प्रमोटर ने 22% अपनी होल्डिंग बेच दी। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर जानबूझ के कंपनी की अच्छी न्यूज लाते हैं मार्केट में, स्टॉक ऊपर जाता है, फिर उसे बेच के आप लोगों को फंसा देते हैं। तो आपको इस स्टॉक से दूर रहना दोस्तों। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा स्टॉक है, फिर भी आपको ऐसे फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना है, मेरा तो यही क्वेश्चन है। इससे अच्छा ये है कि ऐसे स्टॉक से जितना दूर हो उतना अच्छा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे से स्टॉक बताऊँ, ऐसे घटिया स्टॉक से दूर रहिए। स्टॉक नंबर 5, आंध्रा सीमेंट्स। दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा मैंने 6-7 महीने पहले इस पर वीडियो बनाया था कि मुझे टेलीग्राम से कॉल आई थी इस स्टॉक के लिए कि आप इसको बाय कीजिए और इस पर आपको कुछ 32 रुपये मिल जाएंगे पर शेयर। उस टाइम पे इस शेयर की वैल्यू कुछ 20 रुपये के आसपास थी और आज इसकी वैल्यू है 6 रुपये। उस टाइम पे जिसने मेरा वीडियो देखा होगा वो बेनिफिट में हो गए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि कितनी घटिया कंपनी है। एक कंपनी पहले तो सबसे पहले ओवर प्रमोट की गई है, कंपनी में कुछ है नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे इसकी बातें चल रही है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर दुनिया भर का कर्जा है,
कंपनी ने जितना लॉस किया सारे लॉस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए पिछले 2 साल से, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो जितना हो सके इस स्टॉक से भी दूर रहिए, ये तो सबसे घटिया स्टॉक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।